रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। गुड इवनिंग जी, मेरा नाम है गिनी और हर संडे 5 से 6 अपनी लाइब्रेरी यानी गिनी की लाइब्रेरी लेकर आती हूँ मैं रेडियो सिटी पर। देखिए कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, नाम एक्सप्लेनेटरी है, गिनी की लाइब्रेरी। इस शो में हम किताबों की बातें करते हैं। क्यों ये किताब आपको अच्छी लगी, क्यों ये किताब मुझे अच्छी लगी, क्या थी उसकी कहानी। कई बार किन ऑथर से भी बात करते हैं। इस शो पे बस किताबों की बात होती है, किताबों के आसपास की बात होती है। तो इस हफ्ते भी मैं किताब की बात करूंगी। किसी ने मुझे बोला कि यार तुमने ये किताब पढ़ी है, मैंने कहा नहीं। तो मतलब शी लिटरली हैड अ हार्ट अटैक एंड शी वाज लाइक हाउ कैन यू नॉट रीड दिस बुक, ये जो किताब है सबसे खूबसूरत किताब है। मैंने गूगल किया, रिव्यूज देखे, रिव्यूज बहुत ही फैंटास्टिक थे। इनफैक्ट हर बुक शॉप में अगर आप जाएंगे तो आपको ये किताब उनके बेस्ट सेलर्स वाली लिस्ट में दिखाई देगी। गिनी इतनी बार किताब की किताब का नाम तो बताया नहीं, बड़ा ही रैंडम नाम है इस किताब का। इस किताब का नाम है एलिनर ऑलिफेंट इज कम्प्लीटली फाइन। मतलब ऐसी कैसी किताब हो सकती है, एंड हु इज दिस एलिनर ऑलिफेंट, एंड इफ शी इज कम्प्लीटली फाइन तो इसके ऊपर किताब लिखने की क्या जरूरत है। लिखी है गेल हनीमैन ने। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप किताब चूज करते हैं तो आप किताब कैसे चूज करते हैं। देखिए या तो आप किताबें पढ़ते हैं या आप नहीं पढ़ते। अगर आप नहीं पढ़ते तो यू हैव नो क्लू, मैं आपको बता देगी। अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो जनरली हम एक बुक स्टोर में जाते हैं, एक किताब हमारी आंखों को अपील करती है, हम उसे निकालते हैं। कई लोग उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ के डिसाइड करते हैं दैट डू दे वांट टू रीड दिस बुक फर्दर। कई लोग बैक पेज पे जो बैक स्टोरी होती है ना उसे पढ़ते हैं, दे सी दैट इज इट इंट्रीगिंग, इज इट इंटरेस्टिंग, क्या ये किताब उन्हें अच्छी लगेगी, और इसी बेसिस पे उस किताब को निकालते हैं। ये किताब, इसकी बैक स्टोरी सिंगुलरली अनइम्प्रेसिव है। अच्छा, इसकी बैक स्टोरी क्या है? एलिनर ऑलिफेंट एक बहुत सिंपल लाइफ लीड करती हैं। ये रोज सेम कपड़े पहनकर काम पे जाती हैं, सेम खाना रोज लंच के लिए खाती हैं, और हर वीकेंड 2 बोतल ऑफ सेम ब्रांड ऑफ वोडका खरीदती हैं। ये खुश है, इनकी जिंदगी में कुछ भी मिसिंग नहीं है क्योंकि इनकी जिंदगी इतने परफेक्टली टाइम टेबल्ड है। पर एलिनर की इस टाइम टेबल जिंदगी में एक दोपहर कुछ ऐसा हो जाता है जो इसके टाइम टेबल सेगमेंटेड जिंदगी को तोड़ देता है और इसे आपकी और मेरी एवरीडे लाइफ में एंटर होना पड़ता है। इससे पहले कि मैं आपको इसकी कहानी सुनाऊं, मैं आपको इसका एक पैसेज सुनाती हूँ। तो एलिनर जो है वो एक सोशल रिक्लूज है, वो कहीं बाहर नहीं जाती। अब ये पहली बार एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाती है तो उसकी जो ऑब्जर्वेशनल स्किल्स है ना उनको पढ़कर आपको बहुत जोर से हंसी आएगी, बिकॉज यू नो यू एंड आई डू इट। कहती है कि मैं गई एक फास्ट फूड जॉइंट के अंदर, ठीक है, वहां पर मैंने लिया एक फिश बर्गर, गंदी सी फ्रोजन फिश जो पता नहीं कितने सालों पहले मारी गई थी, उसको फ्रीज कर दिया गया था, उसके ऊपर गंदी सी चीज लगाई, एक लिजा सा लेटिस का लीफ लगाया, एक प्याज का टुकड़ा डाला, बर्गर के बन को गर्म भी नहीं करा, उसे पेपर में डालकर मुझे दे दिया गया। उसके साथ कोई कटलरी भी नहीं दी, कोई प्लेट भी नहीं सेट करी, और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं वो खाऊंगी और फिर अपनी ट्रे उठाकर वापस गंदी चीजें डस्टबिन में डालूंगी और ट्रे ऊपर रख दूंगी। और फिर एलिनर कहती है कि मैं पागल हूं जो ये सब कुछ करूं, मैं उस खाने के पैसे दे रही हूं, तुम ना तो मुझे प्लेट दे रहे हो, ना फोक और नाइफ दे रहे हो, ना प्रॉपर ग्लास दे रहे हो, तो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? एंड इट जस्ट मेक्स यू रियलाइज कि हाँ, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? टू सी द सेम लाइफ जो आप और मैं लीड कर रहे हैं फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, दैट इज व्हाट मेक्स दिस बुक एब्सोल्युटली डिलाइटफुल। इसीलिए मेरी रिकमेंडेशन सबके लिए ये है, एलिनर ऑलिफेंट इज कम्प्लीटली फाइन। हैप्पी बुक है, मतलब आप पढ़ कर ना बड़ा अच्छा फील करेंगे। ऑल्सो हम सबकी जिंदगी में, शायद बचपन में, शायद व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, ऐसी कुछ बातें हुई होती है, सबके साथ ऐसा होता है, जिसको हम कहीं ना कहीं ब्लैकआउट कर देते हैं, हम उसके बारे में सोचना नहीं चाहते। जब ये किताब पढ़ेंगे ना, जैसे जैसे एलिनर अपने पास्ट के पास आती है, धीरे धीरे आपके दिमाग से भी ना वो पर्दा खुलने लग जाता है। आई डोंट नो इट हैपेंड विद मी, आई होप इट हैपेंस विद यू। एक ऐसी चीज जिसको आपने ब्लैकआउट किया था वो आपके सामने आ जाती है, द पावर ऑफ वन सिंगल बुक। और इसीलिए मुझे किताबें इतनी अच्छी लगती है। तो आज बात कर रही हूँ एलिनर ऑलिफेंट इज कम्प्लीटली फाइन। गिनी, तूने किताब के बारे में तो कुछ बताया नहीं, बताती हूँ ना गिनी की लाइब्रेरी में, ओनली ऑन रेडियो सिटी। आपने कभी देखा कि जिंदगी में जो हमारे सबसे बड़े एक्सपीरियंसेस होते हैं या सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, वो ऐसे नहीं होते जो हमने सोच समझ के लिए हो, वो रैंडमली हो जाते हैं। आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, ऐसा हो सकता है कि आपको तब मिला हो जब आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। आपको अपनी जिंदगी का प्यार उस एक जगह मिला हो जहां पे आप सोच भी नहीं रहे थे। यू नो लाइफ हमेशा रैंडम चीजों से ही बनती है, ये मैंने नोटिस किया है, और इस किताब में भी ऐसा होता है। एक लड़की जो अपनी जिंदगी को बिल्कुल टाइम टेबल के साथ जीती है, उसकी जिंदगी में किसी के लिए और किसी चीज की कोई जगह नहीं है, बिकॉज उसने अपनी लाइफ को इतना सेगमेंट किया हुआ है। वो लड़की जब एक दिन रोड क्रॉस कर रही होती है,
और उसके सामने एक बूढ़ा आदमी कोलैप्स कर जाता है, गिर जाता है, फेंट हो जाता है। तो ना चाहते हुए भी उसे उसकी हेल्प करनी पड़ती है, बिकॉज एम्बुलेंस तो बुलानी पड़ेगी। और वहां से एक्चुअल शुरू होती है एलेनर की जिंदगी। एलेनर की जिंदगी कितनी बदल जाती है इस एक फ्रीक रैंडम सिचुएशन से। यही है इस किताब की कहानी। आप जानते हैं जब आप एलेनर के बारे में पढ़ रहे हैं कि कुछ है जो शायद आपको समझ नहीं आ रहा। कुछ तो है जो ये लड़की छुपा रही है, कुछ तो है इसके पास्ट में जो आप थोड़ा थोड़ा गेस करने लग जाते हो। बट टुवर्ड्स द एंड जब एक्चुअली आपको पता चलता है कि एलेनर की जिंदगी में हुआ क्या क्या था, आप एकदम से ना हक्के बक्के नहीं होता वर्ड, आप वैसे रह जाते हो कि यार ऐसा भी हो सकता है। और यही है पावर किताबों का। एक लड़की जो पता नहीं शायद दुनिया में कभी नहीं एग्जिस्ट करती होगी, किसी की इमेजिनेशन थी, वो मुझे इस किताब को पढ़ने के बाद अपनी दोस्त लगी। मैं चाहती हूँ आफ्टर द बुक फिनिश आई रियली वॉन्टेड कि जहां पर भी वो लड़की हो वो खुश रहे। इस किताब की एक और खूबसूरती है, इसमें जितने भी कैरेक्टर्स इन्होंने दिखाए हैं, अलग अलग लोग जो दिखाए हैं, वो सब इम्परफेक्ट है, वो सब कहीं ना कहीं से थोड़े से टूटे हुए हैं, थोड़े से स्ट्रेंज है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। पर मेरी गारंटी है कि आप इन सब कैरेक्टर्स को कहीं ना कहीं मिले हो, आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो उस जैसा है, अरे ये तो उस जैसी है। एंड दैट इज हाउ अ गुड बुक इज क्रिएटेड। जब आप कैरेक्टर्स के साथ इतना ज्यादा अफेक्ट हो जाते हो, जब आप कैरेक्टर्स में अपने लोगों को ढूंढने लग जाते हो, दैट इज द पावर ऑफ गुड राइटिंग। तो वेल वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। एलेनर ऑलिफेंट इज कम्प्लीटली फाइन। यही किताब आज डिस्कस हो रही है गिनी की लाइब्रेरी में। अगर आप भी अपनी कोई किताब डिस्कस करना चाहते हैं तो राइट इन टू मी ना, इस लाइब्रेरी का हिस्सा बनिए। RJ गिनी GINNIE@gmail.com या फिर इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पे RJ गिनी GINNIE। टेल मी अबाउट अ बुक जो आपको इतनी अच्छी लगी, क्या पता मेरे को भी पसंद आ जाए। ये किताब डील करती है किसी के बहुत डार्क पास्ट के साथ। बचपन में कई बार हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसे हम सोचना ही नहीं चाहते। हम ये सोचते हैं कि ये हुआ ही नहीं था। अगर आपसे उस समय की बातें पूछी जाएं तो आपके पास ना उस समय की यादें नहीं होती हैं, क्योंकि आपने उसे कहीं ना कहीं ब्लैकआउट कर दिया होता है, वो इतना पेनफुल होता है। 2019 शुरू हुआ है, एक नया साल शुरू हुआ है। कोशिश कीजिएगा कि जितना बैगेज है ना आपका, उसे वहीं छोड़कर आए और आगे चले। बहुत सारा फन है दुनिया में, बहुत सारी चीजें देखने के लिए। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आप और मैं एक मॉल में जाते हैं और ग्रोसरी की दुकान में जाते हैं और वहां पर हम एक ट्रॉली लेते हैं, उस ट्रॉली में हम चीजें भरते हैं। पर अगर आपकी ट्रॉली ऑलरेडी ऊपर तक भरी होगी तो आप उसमें नई चीजें नहीं डाल पाएंगे। नई चीजें डालने के लिए आपको ट्रॉली को खाली करना पड़ेगा। आई होप 2019 एटलीस्ट इस नए साल के सेकंड वीक में एंटर करने से पहले आप अपनी ट्रॉली में थोड़ी जगह बनाएं, ताकि नई चीजें आ सके, नए किताबें आ सके, नए कैरेक्टर्स आ सके, नए एक्सपीरियंसेस आ सके, नई खुशियां आ सके और शायद नया दर्द आ सके। बट दैट इज व्हाट इट मींस टू लिव लाइफ। नहीं, अगर आप मुझे लिखना चाहते हैं RJ गिनी GINNIE@gmail.com या फिर इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पे RJ गिनी GINNIE सर्च कीजिएगा, मैं आपको मिल जाऊंगी। अपनी फेवरेट किताबें, अपने फेवरेट ऑथर्स, अपने फेवरेट कैरेक्टर्स, इन सब के बारे में मुझे बताइए। वेट कर रही हूँ आपके मेल्स, आपके मैसेजेस, आपके लाइक्स का। टिल नेक्स्ट वीक, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगले हफ्ते मुलाकात गिनी की लाइब्रेरी में, रेडियो सिटी पर।